आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2022 के बारे में जी हाँ दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का एप्लीकेशन डेट कब से शुरू होने वाला है एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है मेरिट लिस्ट कौन सा डेट में पब्लिश होगा मेरिट लिस्ट का लास्ट डेट क्या है पब्लिश होने का और कौन से डेट से आपका सेमेस्टर का क्लास शुरू होगा पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का तो दोस्तों आज के वीडियो में ये तमाम जानकारी आपको डिटेल्स में मिलेगा तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो दोस्तों क्लास ट्वेल्व का रिजल्ट निकल जाने के बाद से ही स्टूडेंट्स को बेताबी के साथ इंतज़ार था कि एप्लीकेशन पोर्टल कब से खुलेगा और कब से जो है वो एप्लीकेशन लेना तमाम कॉलेज स्टार्ट करेगा लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि इस साल से सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जो बाद में कैंसिल कर दिया गया वाइस चांसलर की तरफ से अब दोस्तों पहले की तरह जैसे लास्ट ईयर और उससे पहले भी दोस्तों एडमिशन होता था उसी तरीके से दोस्तों सब कॉलेज अपना अपना पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेगा तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का क्या प्रोसेस है तो दोस्तों अगर आप भी क्लास ट्वेल्व पास कर चुके हैं और अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का वेट कर रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अंडर ग्रेजुएट का एप्लीकेशन डेट जो है वो ओपनिंग एप्लीकेशन डेट जो है वो 18 जुलाई से जी हाँ दोस्तों 18 जुलाई से तमाम कॉलेज का एडमिशन लेने का पोर्टल जो है एप्लीकेशन देने का पोर्टल जो है वो खुल जाएगा यानी 18 जुलाई से जो है मिडनाइट 17 जुलाई के बाद जो मिडनाइट आएगा यानी 18 जुलाई से जैसे ही 12 बजेगा तो आप जो है तमाम कॉलेज का एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा और आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो तो दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है यानी एप्लीकेशन देने का सिलसिला जो है वो पाँच अगस्त तक चलेगा जी हाँ दोस्तों यानी कि आप अट्ठारह जुलाई से लेकर पाँच अगस्त तक किसी भी कॉलेज में आप अपना एडमिशन का प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो जी हाँ दोस्तों आपको फिर से बता दें कि एडमिशन शुरू होगा 18 जुलाई से एप्लीकेशन देना और दोस्तों लास्ट डेट एप्लीकेशन का 5 अगस्त है जी हाँ दोस्तों यानी कि 5 अगस्त तक आपको एडमिशन का चांस है आप जो है एप्लीकेशन भर भर सकते हो उसके बाद दोस्तों एडमिशन पोर्टल एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो बंद हो जाएगा यानी कि आप किसी भी कॉलेज में और एप्लीकेशन नहीं डाल सकोगे तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि 18 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक आपको कॉलेज में अप्लाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो दोस्तों उसके बाद जो है वो तमाम कॉलेज में 16 अगस्त से जी हाँ दोस्तों 16 अगस्त से मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश होना शुरू होगा 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में जी हाँ दोस्तों यानी कि इस दौरान जो है बैक टू बैक सब कॉलेज जो है अपना अपना मेरिट लिस्ट पब्लिश करेगा और दोस्तों आपको घबराना नहीं है अगर आपका पहला मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आए तो दूसरा में आगा तीसरा में आगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा पंद्रह सेप्टेम्बर तक और दोस्तों अंडर ग्रेजुएट का जो एडमिशन स्टार्ट होगा वो दोस्तों जस्ट मेरिट लिस्ट निकल जाने के बाद ही होगा यानी जैसा आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा वैसा आपका एडमिशन भी शुरू हो जाएगा आपको वहाँ कॉल आते रहेगा और आपको ये पंद्रह अगस्त से सोलह अगस्त से लेकर पंद्रह सितंबर के बीच में जैसे मेरिट लिस्ट निकलेगा मेरिट लिस्ट निकलने के साथ साथ जो है आपका एडमिशन भी चलता रहेगा यानी जो जो बच्चों को बुलाया जाएगा वो बच्चा वहाँ पे हाज़िर होगा अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा तो उसका एडमिशन भी वैसे ही होता रहेगा और दोस्तों पंद्रह सेप्टेम्बर के बाद जी हाँ दोस्तों फाइनल एडमिशन होगा और उसके बाद दोस्तों उन्नीस सेप्टेम्बर से अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास शुरू हो जाएगा जी हाँ दोस्तों 19 सितंबर से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास शुरू हो जाएगा तो दोस्तों फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं कि आपको एप्लीकेशन भरने का डेट जो है वो 18 जुलाई से 5 अगस्त तक है जी हाँ दोस्तों 18 जुलाई से 5 अगस्त तक आप कॉलेज का फॉर्म भरेंगे उसके बाद दोस्तों सोलह अगस्त से मेरिट लिस्ट सब कॉलेज में निकलना स्टार्ट होगा और जैसे जैसे मेरिट लिस्ट में सबका नाम आते रहेगा वैसे वैसे एडमिशन भी होता रहेगा और ये प्रोसेस जो है वो पंद्रह सितंबर तक चलेगा और दोस्तों पंद्रह सेप्टेम्बर के बाद दोस्तों ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा एडमिशन ख़त्म हो जाएगा और उन्नीस सेप्टेम्बर से अंडर ग्रेजुएट कोर्स का जो है वो पहला सेमेस्टर का क्लासेस शुरू होगा तो दोस्तों अगर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन के बारे में बात करें तो दोस्तों उसका एप्लीकेशन जो है वो एक सितंबर से शुरू होगा और पंद्रह सितंबर तक चलेगा जी हाँ दोस्तों यानी एक सितंबर से पंद्रह सितंबर के बीच में आप एप्लीकेशन दे सकते हो एप्लीकेशन भर सकते हो जो भी कॉलेज में आपको भरना है उसके बाद दोस्तों बीस बीस सेप्टेम्बर से जो है मेरिट लिस्ट निकलना शुरू होगा जो कि इकतीस अक्टूबर तक चलेगा और जैसे जैसे मेरिट लिस्ट में सबका नाम आते रहेगा उसका उसका जो है वैसे वैसे एडमिशन होता रहेगा इकतीस अक्टूबर तक और उसके बाद दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का एक नवंबर से शुरू होगा जी हाँ दोस्तों ये था अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का एडमिशन का डिटेल और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल की तरह इस साल भी कोई भी आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा जी हाँ दोस्तों आपको कोई भी फॉर्म का पैसा जैसा स्कूल वगैरह में लगता था या पहले कॉलेजेस में लगता था तो आपका कोई भी जो है फॉर्म भरने का जैसा कोई भी कॉलेज में आप फॉर्म भर रहे तो आपको जो है वो फॉर्म का चार्जेस वो कॉलेज को आपको बिल्कुल भी नहीं देना है एडमिशन फीस तो ज़रूर लगेगा लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा एप्लीकेशन भरने का वो आपको फीस नहीं लगेगा वो पूरा फ्री है सब कॉलेज का और दोस्तों ये पूरा एडमिशन का जितना भी प्रोसेस है एप्लीकेशन देना हो सब कुछ जो है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है तो दोस्तों ऑफलाइन में आपको कॉलेज का बाहर जाकर भीड़ नहीं लगाना है और दोस्तों एडमिशन का जितना भी प्रोसेस है वो सारा कुछ ऑनलाइन होगा ऑफलाइन में कुछ भी नहीं होगा दोस्तों आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा आपको जो डेट दिया जाएगा कि आपको इस डेट से इस डेट तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है जो डेट दिया जाएगा उस डेट में आपको ऑनलाइन ही स्कैन कराना है सब रिजल्ट वगैरह सब कुछ तो दोस्तों आपको ये सब बात याद रखना है कि सब कुछ आपको ऑनलाइन होगा आपको कॉलेज में जाकर फिजिकली तौर पे कोई भी भीड़ लगाने का दरकार नहीं है आपको अप्लाई भी एप्लीकेशन भी जो है वो ऑनलाइन डालना है मेरिट लिस्ट में आपको नाम देखना है वेबसाइट से उसके बाद दोस्तों अगर आपका नाम आ जाएगा आपका कॉल अप आगा तो आपका एडमिशन uh, भी जो है फ़ीस वगैरह सब आपको ऑनलाइन पे करना है आपको डॉक्यूमेंट वग़ैरह जो है सब ऑनलाइन सबमिट करना है स्कैन करवा करवा के वेरिफिकेशन वगैरह सब आपको जो है ऑनलाइन करना है ऑफ़लाइन में आपका कोई भी काम नहीं है तो प्लीज़ आप ऑफलाइन में जाके कॉलेज का बाहर भीड़ नहीं लगाए और दोस्तों आपको बार बार बता दे रहे हैं कि अगर आपका पहला मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आए तो आपको दूसरा तीसरा चौथा आपको वेट करते रहना है आपका नाम जहाँ भी आए आपका दोस्तों एडमिशन ज़रूर होगा और दोस्तों ये बात याद रखना है कि आपको एक कॉलेज का फॉर्म नहीं भरना है दो से तीन चार से पाँच जितना कॉलेज का आप फॉर्म फिलअप करोगे उतना अच्छा होगा आपका उतना ज़्यादा बेहतर होगा और दोस्तों आप अपना मोबाइल से भी कर सकते हो आगे वीडियोस में आपको ये बता दिया जाएगा कि आप कैसे अपने मोबाइल से भी कॉलेज का फॉर्म भर सकते हो तो दोस्तों आपको जो है यूनियन वगैरह का चक्कर में नहीं पड़ना है पैसा खर्चा नहीं करना है जितना भी आपका नंबर आया आपका कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें अगर हमारे चैनल में आप पहली बार विज़िट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ मिलता रहे आपको और दोस्तों अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पर भी हैं तो दोस्तों आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा आई डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्योंकि दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अपडेट मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह देता रहता हूँ तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ